दोस्तों लगता है कि विवादों में रहने वाली ऐप यानी कि टिकटॉक के खिलाफ शुरू हुआ महासंग्राम इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। यानी कि भैया टिकटॉक के लिए बहुत ही बुरे संकेत मिल रहे हैं। लगता है कि ये ऐप बहुत जल्दी ही इंडिया से पलायित हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी है भैया चाइनीज ऐप यानी कि टिकटॉक से और उसके साथ बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार यानी कि परेश रावल से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि हमेशा से अपने कंटेंट को लेकर विवादों में रहने वाली टिकटॉक ऐप पर यह बात कई दिनों से कही जा रही है देश में कि भाई इस ऐप को बैन कर देना चाहिए इंडिया में, क्योंकि इस पर दिखने वाले कई सारे कंटेंट ऐसे हैं जो कि आपत्तिजनक हैं और इसमें से तो कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो कि भैया देश विरोधी हैं। अभी हाल फिलहाल में ही इस ऐप पर एक ऐसा मामला आया था जिसको देखने के बाद भाई उस अकाउंट को बंद कर दिया गया। यानी कि भैया मैं बात कर रहा हूँ आमिर सिद्दीकी के भाई यानी कि फैजल सिद्दीकी के टिकटॉक अकाउंट की, जिसको बताया जा रहा है कि बैन कर दिया गया है उनकी आपत्तिजनक टिकटॉक वाली वीडियो की वजह से। और दोस्तों लगातार इस ऐप को लेकर यह कहा जा रहा है कि भैया इसे बंद करना चाहिए। और आपको बता दूं कि भैया टिकटॉक के लिए बुरे दिन शुरू हो चुके हैं इंडिया में। और भाई आपको बता दूं कि इंडिया में टिकटॉक को जो स्टार रैंकिंग मिली थी वो पहले थी 4.5 और अब जो इसका स्टार रैंकिंग हो गया है वो 2.0 हो चुका है, यानी कि घटता जा रहा है इस ऐप का प्रभाव इंडिया में। तो दोस्तों इस ऐप को लेकर बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ने भी अपनी दिल की बात सबके सामने रख दी है। उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से कहा है कि बैन टिकटॉक, यानी कि उन्होंने भी टिकटॉक को बैन करने के लिए मांग कर ली है। जब भैया बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े सितारे टिकटॉक के खिलाफ आ रहे हैं और इसके खिलाफ इतनी आवाज बुलंद हो रही है, देश के लोग चाहते हैं कि ये ऐप, ये चाइनीज ऐप बंद हो जाना चाहिए इंडिया में, तो आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा कि ये ऐप इंडिया में बंद होना चाहिए कि नहीं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।